नमस्कार दोस्तों, EPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम CFT का अध्ययन करने वाले हैं। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई, जैसे CFT का प्रतिपादन वैथे नामक वैज्ञानिक ने किया, दूसरा CFT में लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो बॉन्ड था उसको आयनिक बॉन्ड माना, विद्युत सह संयोजक बॉन्ड माना, तीसरी चीज जब केंद्रीय धातु परमाणु अकेला विलगित अवस्था में होता है तो उसके पांचों समरंस डी कक्षा एक साथ समान ऊर्जा में रहते हैं, जबकि उसको चारों ओर से जब एक निश्चित ज्यामिति में लिगेंड घेर लेती हैं तो उन पांचों डी कक्षकों का दो भागों में विपाटन हो जाता है, T2G और EG कक्षकों में, ठीक है। और हम ये जो विपाटन होता है वो होता है ज्यामिति के आधार पर कि ज्यामिति अष्टफलकीय है या चतुष्फलकीय है, ठीक है। देखिए, अष्टफलकीय ज्यामिति में हमने देखा था विपाटन किस तरह से होता है कि कोई अष्टफलकीय ज्यामिति में जो लिगेंड है वो अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं, अतः अक्षों के ऊपर पाए जाने वाले जो दो डी कक्षक हैं, DZ² और DX²Y² जिनको हम EG कक्षक कहते हैं, उनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होता है और उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, और जो तीन T2G कक्षक हैं उनकी ऊर्जा कम रह जाती है। इस तरह से अष्टफलकीय ज्यामिति में निम्न ऊर्जा वाले तीन T2G कक्षक और उच्च ऊर्जा वाले दो EG कक्षक बन जाते हैं, ये हमने अध्ययन कर लिया था। देखिए, जैसे ये पांच समभ्रंश डी कक्षक हैं, समभ्रंश डी कक्षक हैं पांच, ठीक है, मतलब समान ऊर्जा वाले पांच डी कक्षक। जब अष्टफलकीय ज्यामिति में लिगेंड व्यवस्थित रहती है तो जो उच्च ऊर्जा वाले दो EG जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है और तीन T2G कक्षकों की ऊर्जा कम रह जाती है, ठीक है, नीचे वाले T2G बन गए। अब देखिए, यहाँ पर दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है जिसको हमने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा था उसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये जो बीच वाला जो मध्य बिंदु है इससे EG कक्षकों की जो ऊर्जा है वो होती है 3/5 डेल्टा ओ, और जो नीचे वाले T2G कक्षक हैं उनकी ऊर्जा रहती है 2/5 डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा ओ का मतलब है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखिए, मैंने आपको यहां ये बताना चाहा था कि हम इन T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे हम, देखो यहां पर जो समरंस डी कक्षक हैं यहां तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे हुंड के नियम से, कौन से नियम से, हुंड के नियम से, 1, 2, 3, 4, 5 फिर युग्मित होंगे 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा ये हमको देखना है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, दो प्रकार की ऊर्जाओं पर निर्भर करता है, एक तो है डेल्टा ओ जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा, और दूसरा पी जिसको कह रहे हैं हम पियर एनर्जी यानी कि युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा मतलब इन दो चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, इस डेल्टा ओ का मान डिपेंड करेगा लिगेंड की प्रकृति पर। यहां CFT में दो प्रकार की लिगेंड बताई गई हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड उसे कहा गया है जो यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा करता है, ठीक है, मतलब T2G और EG
जो कक्षक हैं उनके मध्य ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है उसको प्रबल क्षेत्र लिगेंड माना गया है और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उसको माना गया है जिसमें T2G और EG कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है, मतलब विपाटन कम होता है। अब देखिए, यदि संकुल यौगिक में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड जैसे अपने कार्बोनिल जो लिगेंड है, CN लिगेंड है, NH3 लिगेंड है, इनको प्रबल क्षेत्र लिगेंड माना गया है, अगर ये उपस्थित हैं तो देखो विपाटन ज्यादा होगा और तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसका मान ज्यादा हो, क्योंकि विपाटन ज्यादा हुआ है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान इस पेयर एनर्जी से ज्यादा होगा। पेयर एनर्जी क्या होती है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, उसमें हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, उस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, उसको हम पेयर एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम T2G और EG कक्षकों में अष्टफलकीय ज्यामिति में हम वितरण देखें इलेक्ट्रॉन का, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई समस्या नहीं है। पहला इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G में और तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में, एक एक एग में रहेगा। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए या नीचे युग्मित हो जाए, इसकी दो कंडीशन उत्पन्न होगी। देखो यहाँ पे भी युग्मित हो सकता है, मतलब T2G में चौथा इलेक्ट्रॉन जा सकता है या चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में ऊपर चला जाए, ये डिपेंड करेगा लिगेंड कौन सी है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा। ठीक है, पेयर एनर्जी से, यानी कि अब ऊपर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको डेल्टा ओ चाहिए, यानी कि ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और नीचे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पी पेयर एनर्जी चाहिए जो कम है, तो वह काम होगा जहां कम ऊर्जा खर्च हो रही है, यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर T2G में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा बजाय EG में जाने के। ठीक है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा नीचे भर देंगे, छठवां नीचे भर देंगे, अब सातवां इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाएगा EG कक्षक में, फिर आठवां EG में युग्मित रहेंगे दोनों, नौवां फिर युग्मित हो गया EG में, फिर दसवां युग्मित हो गया EG में। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो होता है जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। अब देखो स्थिति बदल जाएंगी अगर लिगेंड दुर्बल होगी, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड मतलब उस कंडीशन में होगा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जब विपाटन कम होता है। ठीक है, विपाटन कम हो रहा है तो उसको हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहेंगे, इस स्थिति में डेल्टा ओ का मान कम रह जाएगा पेयर एनर्जी। ठीक है, डेल्टा ओ का मान क्या रहेगा, कम पेयर एनर्जी से। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, देखो अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई समस्या नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, अब चौथा है। देखो यहां युग्मित होने के लिए पी चाहिए और ऊपर जाने के लिए डेल्टा ओ चाहिए, कौन कम है, डेल्टा ओ कम है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने पर, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है T2G में युग्मित होने की बजाय ऊपर भरा जाएगा EG कक्षकों में और पांचवा भी ऊपर। ठीक है, मतलब यहां युग्मन नहीं हुआ क्यों, क्योंकि पेयर एनर्जी ज्यादा, युग्मित होने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए और डेल्टा ओ यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कम है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन तक हो गए, छठवां इलेक्ट्रॉन फिर युग्मित होगा T2G में नीचे, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। इस तरह से यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो सकता है, कब नहीं हो सकता। तो अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा T2G कक्षकों में, और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन नहीं होके पहले EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना कौन सी ज्यामिति में, अष्टफलकीय ज्यामिति में। अब हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। देखिए अगर हम चतुष्फलकीय ज्यामिति की बात करते हैं, चतुष्फलकीय ज्यामिति उसमें क्या होता है कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि वो अक्षों के बीच में आ जाए, अक्षों के मध्य में हो जाए, क्योंकि इस तरह की ज्यामिति होती है। देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु इस तरह से चार किस अवस्था में जुड़ रहे हैं, चतुष्फलकीय अवस्था में। अब यहां पर एक्सिस के बीच में आ गई स्थिति। ठीक है, अब अक्ष के बीच में कौन से डी कक्षक उपस्थित हैं,
अब है T2G कक्षक, अक्षों के बीच में। कुल मिला के जब चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है तो अक्षों के बीच में उपस्थित जो डी कक्षक हैं T2G, वो उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं बजाय जी के। तो अब ऊर्जा किसकी ज्यादा हो जाएगी? अब ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी T2G कक्षक। तो जो ईजी और T2G की स्थिति है अब चतुष्फलकीय ज्यामिति में बदल जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे ये 5 संभ्रंश डी कक्षक है। संभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा वाले, जिनकी ऊर्जाएं समान है डीजनरेट। अब ज्यामिति कैसी है? ज्यामिति है चतुष्फलकीय है, लेगेंड अक्षों के बीच में स्थित हैं। तो अक्षों के बीच में जो 3 T2G कक्षक हैं उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, तो जो T2G की ऊर्जा है वो EG से अब ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से कक्षक रहे अपने? T2G और नीचे EG कक्षक, 2 EG, मतलब अष्टफलकीय से स्थिति बदल गई। भाई अष्टफलकीय में क्या था? T2G 3 नीचे थे और EG 2 ऊपर थे, लेकिन चतुष्फलकीय में क्या हुआ? T2G 3 ऊपर चले गए, EG नीचे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है इसको भी हम क्रिस्टल छिद्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे, लेकिन इसको प्रदर्शित करेंगे हम ΔT से। टी मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे भी ये 2 भागों में बांट सकते हैं हम माध्य स्थिति से। देखिए यहाँ उल्टा हो जाएगा, पहले 3/5 ऊपर था और 2/5 नीचे था, उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/5 ΔT और नीचे 3/5 ΔT और टोटल कौन सा हो गया? ΔT। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए एक चीज बताई गई यहाँ पर कि जो चतुष्फलकीय ज्यामिति है उसमें 4 ही लिगेंड होती हैं, जबकि अष्टफलकीय ज्यामिति में लिगेंड होती है 6। तो जो विपाटन है वो अष्टफलकीय ज्यामिति में ज्यादा होता है बजाय चतुष्फलकीय ज्यामिति में। ठीक है, मतलब ΔT का मान ΔO से कम पाया जाता है। इन दोनों में रिलेशन भी बताया गया है कि ΔT कब होती है? जब चतुष्फलकीय ज्यामिति में 4 लिगेंड जुड़ी हुई है तब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और ΔO जब अष्टफलकीय ज्यामिति में 6 लिगेंड जुड़ी हूं। इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है, रिलेशन कब निकालेंगे? जब केंद्रीय धातु परमाणु भी समान हो और लिगेंड भी समान हो, एक तरफ 4 लिगेंड हो और एक तरफ 6 हो, उस स्थिति में इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ΔT = 4/9 ΔO, मतलब ΔO का मान ज्यादा होता है बजाय किसके? ΔT के, लगभग आधे के बराबर होता है ΔT ΔO से। मतलब कब विपाटन ज्यादा होगा? जब ज्यामिति अष्टफलकीय है, और कब विपाटन कम होगा? जब ज्यामिति चतुष्फलकीय है। तो इन दोनों में ये रिलेशन बताया गया, और यहाँ एक चीज बताई गई है कि विपाटन कम होने से यहाँ युग्मन विरले ही होता है। विरले का मतलब बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन ज्यादातर स्थिति में पहला इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ΔT की वैल्यू कम रहती है अधिकतर कंडीशन में। इसलिए EG में युग्मन होने से पहले T2G में इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, यानी युग्मन बहुत कम कंडीशन में होगा। तो ये दोनों ही प्रकार की ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अष्टफलकीय का ही पूछा जाएगा, क्योंकि वहां दोनों ही स्थिति आती है। युग्मन होता भी है जब प्रबल लिगेंड होती है और T2G में, और युग्मन नहीं होता ऊपर वाले जाते हैं जब दुर्बल लिगेंड होती है। लेकिन यहाँ पर चतुष्फलकीय में ज्यादातर स्थिति में युग्मन नहीं होता है, पहले EG में एक एक करके भर लेंगे, फिर उच्च ऊर्जा वाले T2G में एक एक करके भर लेंगे। ये रिलेशन हमको याद रखना है कि अगर लिगेंड समान है, केंद्रीय धातु परमाणु समान है, तो जो ΔT यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति में जो क्रिस्टल छिद्र विपाटन ऊर्जा है उसका मान ΔO के 4/9 गुने के बराबर होता है। ये रिलेशन हमको याद रखना। तो ये थोड़ा सा हमने CFT के बारे में जाना। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।